सुप्रभात प्यारे बच्चों, बच्चों हमने कल की जूम क्लास में पाठ 17 व्याकरण से अव्यय पढ़ा था और उसके एक भेद क्रिया विशेषण के बारे में भी जानकारी ली थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इस कार्य को दोबारा से दोहरा देती हूँ। बच्चों अव्यय शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते, और अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, तो, है ना बच्चों, आहा, वाह आदि। तो आगे हमने पढ़ा था अव्यय में एक भेद क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के गुण, दोष अथवा उसकी विशेषता का ज्ञान होता है, जैसे कि बच्चों यहाँ उदाहरण भी दे रखा है कि राधा बहुत रोती है। तो अभी मैंने बोला था ना अव्यय शब्द, तो जिनका कोई लिंग, वचन और कार्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों अब यह क्रिया की विशेषता को भी बता रहा है कि राधा बहुत रोती है। रोना शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत। अब ये जो बहुत शब्द है वो अव्यय भी है और क्रिया की विशेषता को भी बता रहा है। उसी प्रकार उसकी कार तेज चलती है, चलना क्रिया है। कार कैसे चल रही है? तेज। यह शब्द अव्यय भी है और क्रिया की विशेषता को भी बता रहा है। तो बच्चों आगे में हमने भेदों की जानकारी भी ली थी। चलिए एक बार मैं भेद बता देती हूँ। क्रिया के चार भेद हैं क्रिया विशेषण के: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है कहाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण में कब, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे, यानी किस ढंग से हो रही है, कैसे हो रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितने, कितना, यानी मात्रा के बारे में बताया था। चलिए अब आगे चलते हैं। अव्यय के अन्य भेद यानी कि संबंध बोचक बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक के बारे में जानकारी लेने। तो बच्चों संबंध बोधक अव्यय क्या है? बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, संबंध यानी कि रिलेशन बताते हैं। जैसे नीचे जो नीले रंग की कार खड़ी है, की शब्द आया ना बच्चों, ये कारक शब्द है और इसके अनुसार भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अव्यय भी है और कारक चिन्ह भी है। तो जिन शब्दों के बीच में वाक्य में का के ऊपर, के साथ, सामने, पर, तक, के भीतर, के आगे और के नीचे शब्द आते हैं, वहाँ पर वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध होता है। आगे चलते हैं इसके भेदों की जानकारी। आगे बच्चों संबंध बोधक अव्यय के भी आगे भेद दिए गए हैं। जैसे कालवाचक, मैंने आपको कल काल के बारे में भी बताया था कि काल का क्या होता है। काल के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कब, यानी कि कौन सी क्रिया कब, कौन से समय में हो रही है। तो इसकी पहचान के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे के पीछे, के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद आदि। उसी प्रकार बच्चों स्थानवाचक, ये भी क्रिया विशेषण में हमने पढ़ा था, जिसकी पहचान में आई थी मैंने कहाँ, ठीक है, कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है। अब संबंध कहाँ पर है, के बाहर, के भीतर, के यहाँ, के वहाँ, के निकट से, दूर, के अंदर, के पास, यानी कि जहाँ पर हम बैठे हैं, स्थान हमारा उसके साथ संबंध है। जैसे मैं कुर्सी के ऊपर बैठी हूँ, के ऊपर यानी कि कुर्सी और मेरा आपस में संबंध है, ऊपर बैठी हूँ, तो वो मेरा स्थानवाचक है। आगे आता है बच्चों दिशावाचक, जिसकी ओर हम संकेत करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है राम का घर कहाँ है, तो आप बताते हो के सामने, मेरे घर के सामने। स्कूल कहाँ है, के पास, मेरे घर के पास, उस ओर की तरफ। तो बच्चों जिसकी ओर संकेत किया जाता है वहाँ आता है दिशावाचक। आगे आता है समता, समतावाचक में आता है समानता बतानी होती है। जैसे कि राम सीता की भांति लिखता है, की तरह दिखता है, ठीक है, ये के बराबर है, की तुलना में एक जैसी है। तो बच्चों की तरफ, के समान, की भांति, के बराबर और तुल्य आदि शब्द इसमें आते हैं। आगे आता है बच्चों नंबर 5 तुलनावाचक। तुलना होता है कंपैरिजन करना, यानी कि किसी का किसी के साथ, यानी कि जैसे कि की अपेक्षा, राम शाम की अपेक्षा बहुत सुंदर लिखता है, की तरह लिखता है, की तुलना की गई है, यानी कि दोनों एक समान भी नज़र आते हैं आदि। पृथकतावाचक, पृथकता का अर्थ होता है बच्चों अलग होना, भिन्न होना, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। जैसे कि से भिन्न है, मैं अपने भाई से भिन्न हूँ, मैं अपने भाई से अलग हूँ, ठीक है। से परे यानी कि किसी चीज़ को हटा देना,
हटाना भी पृथक है, अलग करना, से हटकर। आगे आता है साधनवाचक। साधन होता है माध्यम कि किस तरह से आप कोई कार्य कर रही हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आप बुक में किसके माध्यम से टिक लगा रही हैं, पेंसिल के माध्यम से, इनकी जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जैसे के माध्यम से, आप दिल्ली से अंबाला कैसे आ रहे हो, किस माध्यम से आ रहे हो, तो बस के माध्यम से, मैं बस से आ रहा हूँ, कार से आ रहा हूँ, है ना बच्चों। तो जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है साधन, तो इसके अंदर शब्द आते हैं के माध्यम, निमित्त, के द्वारा, के जरिए, आदि। विरोधवाचक यानी विरोध होता है अलग हो जाना, किसी के साथ अलग हो जाना, बिल्कुल उल्टा शब्द बोलना, ठीक है, विरोध प्रकट करना। इनमें शब्द आते हैं के विपरीत, के उल्टे, के प्रतिकूल, के विरोध, के खिलाफ, आदि। हेतुवाचक के कारण, के लिए, के हित रहित अथवा सिवा, के अतिरिक्त, आदि। उसी प्रकार बच्चों अंत में है संगवाचक। संग होता है साथ, यानी कि किसके साथ कर रहे हो, ठीक है, समेत, यानी कि हम कहते हैं ना, मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, तो ऐसे बच्चों उनमें शब्द आते हैं समेत, के साथ, के संग, भर तक, आदि। बच्चों अगली वीडियो में हम अन्य भेदों की जानकारी लेते हैं।